मार्केट में या नीचे मार्केट में हम लोग पहुंच गए जनाब। जैसे हमने आपसे वादा किया था कि मैया के दूसरा पार्ट लेके आएंगे, तो लेके आ चुके हैं। इसके पहले आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जाके देख सकते हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो भैया जी, इससे पहले ब्लॉग स्टार्ट करें, हमें पेट पूजा करने की इजाज़त दीजिए। तो उसके बाद हम ले चलते हैं आपको सीधे अलाउद्दल के अखाड़े पर। तो हम समय की पाबंदी देखते हुए निकल पड़े हैं अलाउद्दल की ओर, जहाँ अलाउद्दल का अखाड़ा है और जहाँ तालाब बना हुआ है। आप शायद जानते होंगे अलाउद्दल की कहानी, जो 12 साल यहीं पे तपस्या की थी इन्हीं जंगलों में, और माता रानी का रोज़ सुबह जाते हैं पूजा करने। आज भी माना जाता है कि अलाउद्दल माता रानी की सुबह पूजा करने जाते हैं, आज भी प्रमाण मिलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ उनका अखाड़ा और वो तालाब जहाँ लोग नहाते थे, स्नान करते थे और तपस्या करते थे। तो जिस अखाड़ा की बात कर रहा था मैं, वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, ये डेवलपमेंट कर दिया गया है, चारों तरफ से बना दिया गया है सरकार की तरफ से। ये यहाँ पे लिखा है माँ शारदा देव नमः, श्री चंद्राय नमः, आला अखाड़ा बड़ा उदासीन माठ पुजारी अशोक। ये सब यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। और यहाँ पे अरे ये बैल भी आ रहा, कहीं मारे ना। यहाँ पे कुटी उटे बनी हुई है, लोग रहते होंगे रात को, यहाँ पे ध्यान देते होंगे इस अखाड़ा पे। और यहाँ पे भगवान हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, कड़ी यहाँ पे स्थापना है, ये देख सकते हैं भगवान हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना है। तो यहीं अखाड़ा पे प्रैक्टिस करते थे अलाउद्दल, तपस्या किया है। अब माँ शारदा का डेली पूजा करते थे सुबह, सबसे पहले अलाउद्दल ही पूजा करते थे माँ शारदा मैया की। उनकी कहानी आप सर्च करके गूगल में पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब में, काफ़ी रोचक कहानियाँ हैं। और इसके आसपास तालाब भी है जहाँ लोग ना स्नान करने जाते थे। पहली बार आया हूँ यहाँ अखाड़ा, सुना बहुत सालों से है, और आज के जनरेशन में इस कहानियों को विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है, बट ये एक सच्ची कहानियाँ हैं। ये अलाउद्दल जो एक भी युद्ध हारे नहीं हैं, और उनके बारे में मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छे योद्धा थे। यहाँ लोग रहते भी हैं, पंडित जी रहते हैं शायद, वो एक खड़े भी हैं उधर। तो मैं अंदर आ चुका हूँ, ये देख सकते हैं आप, इधर इतना बड़ा है, शानदार बना हुआ है, पहले का मिट्टी का। अभी इधर सरकार ने डेवलपमेंट कराया है कुछ, कि ये हमारा जो सालों का है वो धरोहर बना रहे। तो ये अखाड़ा के अंदर बीचों बीच हम पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पे झंडा गड़ा हुआ है और ये पंडित जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, साधु जी। यहाँ पे त्रिशूल उसूल है। तो प्रणाम बाबा जी, अंदर आ सकते हैं? तो ये बाबा जी हैं, बैठे हुए हैं। तो किचन कहाँ से आए? हम तो पास के गांव के ही हैं, ये सतना जिला के। तो आप बताइए कुछ इस अखाड़ा के बारे में। आप पहले आए हो कभी? नहीं, यहाँ पहली बार आया हूँ। अच्छा। वैसे अपने बाबा जी से और पिताजी से बहुत सुना है अखाड़ा। अच्छा। के बारे में, अलाउद्दल के बारे में जो है, प्राचीन अखाड़ा है। अच्छा। मैं अपना शीशा पर किया था माता जी की। अच्छा। तभी माता जी ने अमरता का वरदान प्राप्त किया था। अच्छा, अमर का वरदान मिला था, यहाँ तपस्या किया था अलाउद्दल ने। तो आज भी माता रानी की प्रथम पूजा करते हैं। तो आज भी हमारा है, प्रथम पूजा वही करते हैं।
जिसे आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, और बहुत सारे न्यूज चैनल है जिन्होंने दिखाया है, प्रमाण भी दिखाया है कि पहला पूजा 4 बजे या 5 बजे जब पट खुलने से पहले भगवान ही आला उधर जो अमर है वो पूजा करते हैं माता रानी का, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। तो उन्होंने काफ़ी सालों यहाँ पे तपस्या किया यहीं जंगल पे। तो अब जी अपने बारे में बताइए आप। अब हम अपने बारे में क्या बताएं, हम सागर के हैं। यहाँ कितने सालों से आप हैं? अरे हम जीवन के लिए। अच्छा, तो यहाँ आप खाना पीना ही सब बनाते रहते हैं? यही होता है। अच्छा, इसी से होता है जो मान लो आ गया उसको इकट्ठा करके उसी से राशन पानी खरीदते हैं। ओके ठीक, तो बाबा जी से बात हो चुकी है, उन्होंने अपने बारे में बताया काफ़ी सालों से यहाँ हैं वो और इस अखाड़ा का ध्यान रख रहे हैं, और बाकी बेहतरीन है। पहली बार आया तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग आइए तो मिल सकते हैं बाबा जी से भी, उनसे बातें कर सकते हैं, इस अखाड़ा के बारे में जान सकते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं तलैया आला उदल के, इधर ही है तो जहाँ पर तालाब है वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी पार्क टाइप का बना दिया गया है, ये डेवलपमेंट हो रहा है बेहतरीन। घूमने जैसे लोग आए घूमने, थोड़ा तालाब देखे यहाँ आला उधर नहाते थे स्नान करते थे, ये मंदिर भी बना हुआ है। शाही पानी रहता था इस तालाब में, शाही पानी कमल का फूल ले जाके माता रानी के चरणों में समर्पित करते थे, पूजा करते थे। ये आला देव मंदिर है, ये देख सकते हैं। ये मंदिर है आला जी का, देख सकते हैं आला देव मंदिर लिखा हुआ है। ये भगवान ये मंदिर है, शिव जी की मूर्ति है यहाँ पे, गुरु जी की मूर्ति है। ये नीचे देख रहे हैं जोत जो चल रही है माता जी की, जोत चलती है ये 24 घंटे मतलब कंटिन्यू 24 घंटे बहुत सालों से जलती आ रही है। कभी जब से माता रानी का जन्म है तब से जोत कंटिन्यू ऐसी जल रही है लगातार, कभी नहीं बुझती। ये नीचे है तो आप बाहर से देख सकते हैं, ये गुफा के अंदर है, ये पुजारी है, सकरा है वो जगह, और दूसरा मान घटता है, मान घटता है कहीं, मान घटे नहीं तो वहाँ घर आओ, प्रेम घटे कुछ बस वहाँ जाने से मान घट जाती। तो यह कम से कम 400 साल से ऊपर की होगी? अरे हजारों साल वहाँ लिखा है भला, देखी उसके नीचे आला जो आला देव जो हाथी पर चले हैं। अच्छा, उनके नीचे सब लिखा, ये आला देव जी हैं जो हाथी पर, उनके चित्र बना हुआ है, एक गुरु जी हैं साइड में। तो ये हजारों सालों से है ये इसी तरह ज्योति चलती आ रही है, इनकी मूर्ति है मनबाड़ा के बाले में, तलई के बारे में बता ही चुका हूँ। और ये पंडित जी हैं जो पूजा करते हैं, ध्यान रखते हैं यहाँ के। हो गया हमारा, हो गया है? देख सकते हैं कमल के फूल बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पे, उसी का अभी भी। तो एक बार घूम के आते हैं, चारों तरफ से उधर चलते हैं जहाँ छाव है, वैसे इधर साइड धूप बहुत है, देख रहे हैं गर्मी बहुत है यहाँ पे। पुराइन का फूल कमल का ना, पुराइन
तो यहाँ आपको बहुत सारे कुरैन का फूल जो जो पानी में होता है तालाब लाओ में होते, क्या बोलते हैं कमल के फूल जिसे बोलते हैं, तो कमल के फूल यहाँ खिलते हैं सुबह सुबह, अभी तो मुरझाए हुए हैं। तो यहीं से वो आला उदल स्नान करते थे पहले और माता रानी के लिए फूल तोड़कर पूजा के लिए ले जाते थे बताया जाता है। अब इसे डेवलपमेंट कराया गया बेहतरीन तरीके से, अब देख सकते हैं और चारों तरफ पहाड़ है, जंगल है। तो ये ऊपर देख रहे हैं ना, जहाँ हम लोग पहले थे माता रानी के दर्शन के लिए, वो पहाड़ दिख रहा है ऊपर, और ये नीचे तलैया दिख रही है जो बेहतरीन लग रहा है। इसके बारे में बता ही चुका हूँ मैं, जहाँ कमल के फूल खिलते हैं सुबह सुबह बेहतरीन। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो नए आते हैं हमारे चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही हम अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।